हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पास्ट कंटिन्यूअस को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस भी वैसे ही है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था। इसमें थोड़ा सा चेंज है। जहां पे हम सिंगुलर में हैज और हैव का यूज करते थे, यहाँ पे हैड का यूज होता है और वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है। देखिए, हम देखते हैं, पहले हम इसका देखते हैं पहचान। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि। जैसे कि हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है लगा रहता था, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे रहेगा। क्यों? यहाँ पास्ट जब होता है तो यहाँ था हो जाता है और वहां पे है रहता था। ठीक है, वैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। वह आम खा चुका था। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? वह आम खा चुका था। इसका एक अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल है। इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैड इटेन मैंगो। ही हैड इटेन मैंगो। देखिए, हम यहां पर देखते हैं कि यहां पे सब्जेक्ट प्लस यहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज हुआ हैड यूज हुआ है। ठीक हैड यूज हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे इटेन हो गया है। ठीक है, तो इसका हम रूल क्या निकाल के ले आते हैं? इसमें से रूल निकलता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह हम, ये तो एक सिमिलर सेंटेंस था, यहाँ पे ही लगा हुआ था, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस ही ऐसा है जिसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरह नहीं है कि सिमिलर में हम हैज लगाते हैं और प्लूरल जो सब्जेक्ट रहता है उसमें हम हैव लगाते हैं। यहाँ पे दोनों के साथ ही हैड का यूज होता है, हर जगह पे हैड का यूज होता है। देखिए, यहाँ पे हमने ही के साथ हैड का यूज किया है। अब यहाँ पे हम देखिए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम आई के साथ हैड का यूज करेंगे। मैं आम खा चुका था। ठीक है, वही सेंटेंस है, हमने मैं लगा दिया, मैं आम खा चुका था। इसका हो जाएगा आई हैड इटेन मैंगो। इसी के साथ यदि यहाँ पे कुछ और रहता, जैसे कि वे आम खा चुके थे, दे हैड इटेन मैंगो। ठीक है, या तुम आम खा चुके थे, या यू हैड इटेन मैंगो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ। जब हम इसी का निगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? वह आम नहीं खा चुका था। जो पहला सेंटेंस था उसका क्या हो जाएगा? वह आम नहीं खा चुका था। तो बहुत ही आसान है, देखिए, ही हैड नॉट इटेन मैंगो। क्या हो जाता है? He had not eaten mango. तो इसका हम रूल क्या निकल के आता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने इसका अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, क्या वह आम खा चुका था? इसका क्या है? क्या वह आम खा चुका था? इसका हो जाएगा हैड ही ईटन मैंगो। यहां पे शुरू में यहां पे क्या लग जाएगा? हैड लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका हम रूल क्या बना लेंगे? वैसे ही हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि हम इसको बीच में क्वेश्चन वर्ड डालते हैं इसमें, तो इसका क्या हो जाता है इंटरोगेटिव? एक हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, वह आम कहाँ खा चुका था। ठीक है, वह आम कहाँ खा चुका था, इसका क्या हो जाएगा? पहले हम क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू में ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा वेयर हैड ही ईटन मैंगो। वेयर हैड ही ईटन मैंगो। ठीक है, अब हम इसका इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस एक ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका इंटरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो, क्या वह आम नहीं खा चुका था? क्या वह आम नहीं खा चुका था? इसका हो जाएगा हैड ही नॉट ईटन मैंगो। हैड ही नॉट ईटन मैंगो। ठीक है, इसका भी हम यदि रूल निकालते हैं तो हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यदि हम एक और सेंटेंस बनाना चाहें इसमें लगा करके, वह आम क्यों नहीं खा चुका था, वह आम क्यों नहीं खा चुका था, ये आप सोचिए और बताइए। और इसमें
आप और भी अलग अलग तरह का सेंटेंस आप ऐड करके इसको बना सकते हैं। जैसे मैं इसका अभी बता दे रहा हूं, वह आम क्यों नहीं खा चुका था, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है वैसे यहाँ क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा और हो जाएगा व्हाई हैड ही नॉट ईटन मैंगो। क्या हो जाएगा, व्हाई हैड ही नॉट ईटन मैंगो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो टेंस की बहुत अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और यदि आपकी कुछ क्वेरी रहती है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से अपना व्यूज जरूर दें। थैंक यू।